आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार 22 जनवरी 2024 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिख गया है। दरअसल अयोध्या जो राम की नगरी कहलाती है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस दिन हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस दिन शिव की नगरी में चारों तरफ धर्ममय वातावरण रहा, राममय रही भगवान शिव की नगरी। बाहुबली चौक सर्व व्यापारी संघ के द्वारा इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाहुबली चौराहा सर्व व्यापारी संघ के द्वारा आयोजित था यह भंडारा, और इस भंडारे में हजारों की तादाद में लोग आए और प्रसाद ग्रहण किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाहुबली चौराहे का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बाहुबली चौराहे पर यहाँ भंडारे में महिला पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, ओधेड़ महिला पुरुष सभी ने यहाँ भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस अवसर पर सर्व व्यापारी संघ बाहुबली चौक के द्वारा प्रसाद का वितरण कराया गया, और अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई है और रामलला की प्रतिकृति आपको पीछे भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरी तरह धर्ममय था बाहुबली चौराहा। सोमवार 22 जनवरी 2024 का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। सभी के द्वारा यहाँ पर अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर धर्म और रैली भी निकाली गई, और जब ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर घुड़सवार, घोड़े पर सवार, झंडा लिए, ध्वज लिए हुए श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचे तो उन श्रद्धालुओं को यहाँ रोक कर उन्हें प्रसाद वितरित किया गया। आने जाने वालों के द्वारा भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया गया। ये देखिए, यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलती हुई आपको दिख रही होगी, और शोभा यात्रा में ये पवन पुत्र हनुमान का भेष धारण किए हुए एक दिख रहे होंगे आपको। भारत माता भी यहाँ दिख रही हैं, और सभी के द्वारा ये देखिए किस तरह से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। सभी के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। बाहुबली चौराहा सर्व व्यापारी संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और देख सकते हैं आप ये लोग यहाँ पहुँचे, और यहाँ पर इनके पहुँचने के साथ ही भंडारा भी आरंभ कराया गया। ये भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिकृति आपको एक छायाचित्र यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सर्व व्यापारी संघ बाहुबली चौराहे के द्वारा आयोजित इस भंडारे में महिलाओं पुरुषों सभी के द्वारा प्रसाद को ग्रहण किया गया। देखिए, महिलाएं कतारबद्ध होकर यहाँ पहुंच रही हैं। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। वैसे तो सिवनी शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जगह जगह भजन कीर्तन सोमवार 22 जनवरी 2024 को आयोजित हुए, और रथ भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। रथ यहाँ से दृष्टव्य हो रहा होगा। ये पवन पुत्र हनुमान की प्रतिकृति उनके स्वरूप को धारित किए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। वो स्वयं के द्वारा सेवा आरंभ कराई गई सभी के द्वारा यहाँ पर। ये जो फोटो यहाँ पर लगाई गई थी बाहुबली चौराहा सर्व व्यापारी संघ के द्वारा, उसमें सेल्फी लेने के लिए होड़ सी मच गई थी। पीछे ऑटो भी दिखाई दे रहा होगा, जो लोग आ रहे जा रहे हैं वे भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने रुके, और श्रद्धा भाव से सभी के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। सर्व व्यापारी संघ बाहुबली चौराहे के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। शाम को यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। शाम को दुग्ध का वितरण भी यहाँ पर किया गया था।
बहुत ही मनमोहक नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सभी श्रद्धा भाव से देखिए पूजन अर्चन यहाँ पर जारी है, पूजा की जा रही है और भंडारा भी आरंभ कराया गया। इसी के साथ ही सभी के द्वारा प्रसाद को ग्रहण किया गया। ये जो अस्पताल परिसर में हनुमान मंदिर है वहाँ से ये शोभा यात्रा आरंभ हुई और वहीं पर ये शोभा यात्रा वापस लौटी और रास्ते में कई जगहों पर इन्हें इस शोभा यात्रा को प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रसाद वितरित कर रहे हैं, महिलाओं की तादाद, पुरुषों की तादाद, बच्चों की तादाद भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके के नज़ारे बिरले ही देखने को मिला करते हैं जब सभी बहुत सेवा भाव के साथ सेवा करते नजर आते हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर सभी के द्वारा बहुत ही धर्ममय वातावरण में प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है और जो भी वहाँ से निकल रहा था, चाहे एम्बुलेंस निकल रही हो, चाहे ऑटो निकल रहे हो, सभी को बुला बुला कर प्रसाद वितरित किया गया। सभी ने तृप्त होकर प्रसाद ग्रहण किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको पीछे हनुमान पवन पुत्र हनुमान के भेष में ये दिखाई दे रहे होंगे। व्यापारियों के द्वारा अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान के साथ फोटो भी खिंचाई गई और जय श्री राम के नारे भी गुंजायमान किए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।